के साथ। तो वही आज का मतलब वेदर अच्छा ना साथ नहीं दे रहा, मतलब कोई नहीं आशा ने किया सर तुम नहीं किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, सब अपना जैसा ही लग रहा है, इतना प्यार कर रहा है, मतलब एक रुपया भी खर्चा करने के लिए मुझे नहीं दे रहा है। देखो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखीमपुर, गुड मॉर्निंग, दिस इज ड्यूल राइडर। तो उठ चुका हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा था और कुछ ऑफिशियल काम था वही कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 8 AM, नाश्ता आया है कमरे में और कल वहाँ से आने के बाद मैं कमरे में ही खाना खाया, कमरे में खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो गया, इतना ही नींद आ रहा था। मतलब वही खाना आ चुका है तो खाना खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट। तो आज डे 2 है और सेशन 10 बजे से है, मेरा जाना पड़ेगा। और तो सेशन का टाइम है तो वीडियो नो वीडियो एडिटिंग वो सब कुछ भी नहीं चलता है आजकल। ये रहा पूरी और ये मटर दिया है इधर में और ये चाय, सही लगेगा, पेट भर जाएगा। अभी कमरे में अगर मतलब कमरे में रुक रहे हो और खाना अगर ऐसा आता है रहेगा ना, ये तो अल्टीमेट होता है, मतलब किसी दूसरा जगह का होटल में जाके खाने के लिए ज़रूरत नहीं होता है। अगर ये फैसिलिटी रहता है ना होटल में तो एकदम सही रहे, मतलब सही होता है, दिक्कत नहीं होता है। और आज का देखते हैं सेशन के बाद आज का प्लानिंग क्या है, एक्सप्लोरिंग के लिए सोचते हैं। लेकिन मेरे को एक्सप्लोरिंग अगर करेंगे तो एडिटिंग नहीं होता है, दिक्कत वही होता है, एडिटिंग मतलब वो सब दिक्कत हो जाता है। और स्टोरेज तो फुल ही हो जाता है क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, मेरा आईफोन से, वही मतलब आईफोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ। लेकिन ईजी इसलिए होता है, मतलब क्या है सब मोबाइल में रहता है, सब डायरेक्ट यहाँ ही रिकॉर्डिंग होता है, यहीं सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है वीडियो और डायरेक्ट इधर ही एडिटिंग। तो फिलहाल होगा, मैं नाश्ता कर लेता हूँ और बाद में मिलते हैं। होटल पहुंच चुका हूँ, खाना भी खा चुका हूँ, एकदम एक नंबर बढ़िया। सेशन ऑलमोस्ट ओवर, डे 2 कंप्लीटेड। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखीमपुर। सुबह हो चुका है, मतलब 8 बज चुका है, 5:30 जैसा ही उठ गया है। तो तब से मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, 2.5 घंटा हो चुका है अब तक कंटिन्यूसली वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। तो अभी नाश्ता ऑर्डर देता हूँ और आएगा, उसके बाद ये नहा के मैं खा लूँगा, खा के मैं निकल जाऊँगा कॉलेज के लिए। फिलहाल ना मेरा मतलब वो नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, वर्कआउट नहीं हो रहा है क्योंकि 3 दिन से मतलब मैं रेस्ट पे हूँ। तो बाइक भी चलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कॉलेज पास में ही है, तो इसलिए बॉडी थोड़ा रेस्ट में, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा फिजिकल तो चाहिए है कि नहीं, निगेटिव करने से पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। तो निगेटिविटी मेरा रेस्ट में है, वही बोल रहा हूँ। तो देखते हैं अभी चाय नाश्ता बढ़िया, दूध डाल दिया, चना दाल और पूरी, बोले तो मस्त एकदम बढ़िया लग रहा है। दाल आलू सब्जी पूरा दिया है। तो कल भी मैं रोटी खाया था, तब वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। मारवाड़ी होटल है एकदम, इसलिए सही लग रहा है। तो इस बार मेरे को मेरा लाख मतलब बहुत ही अच्छा है। कोई होटल मेरे को ऐसा मिलता है जहाँ मतलब रेस्टोरेंट नहीं होता है, मतलब खाना वाना नहीं बनता है, तो वो होटल में थोड़ा दिक्कत होता है। बाहर फिर से दूसरा होटल में जाके खा के आके फिर रूम में कमरे में आना पड़ता है, तो वो उधर मतलब बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए ये एकदम सही है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर नीचे मिठाई भी मिलता है, जो भी मंगवाओ आप मिठाई। तुमको यारे हो मतलब लोकल मुस्लिम आदिवासी की मुस्लिम। तो भाई को मतलब वो मेरे को रोज रूम सर्विस दे रहा है अच्छा से, तो भाई को मैं अभी रसमलाई खिला रहा हूँ भाई को। टी शर्ट खरीदना है, अगर पसंद आएगा तो ले लेगा, नहीं तो बाहर में जाओ। वीडियो नहीं किया क्योंकि स्पेस नहीं है मेरा, और बहुत सारा वीडियोस पेंडिंग है तो वो सब डिलीट नहीं कर सकता। तो मैं एक भाई का घर आया हूँ, इनविटेशन है और स्ट्रेंजर है, आसामीज फैमिली है जो भी हो। लखीमपुर में तो मुझे इस बार बहुत सारा प्यार मिल रहा है, चाय पिया, पकौड़ा खाया, सब कुछ। और आज मेरा 5th डे था वो कॉलेज में, क्लास सही गया वो, आज मस्त गया वो वाला क्लास। और मतलब थोड़ा जुकाम हो गया है, वो एसी रूम, इस क्लासरूम में मैं जो क्लास लेता हूँ मतलब वो मतलब एसी रूम में थोड़ा जुकाम लग गया है, थोड़ा इसलिए थोड़ा मतलब वो हो रहा है, आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है। लेकिन जो भी हो यहाँ में मस्त लग रहा है। कोई नहीं आशा ने किया सर एकदम मैंने बढ़िया लगी बोले जी खाए पीने, मतलब आज का खाना देख सकते हो यार, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बहुत अच्छा लग रहा है इधर में आके मेरे को। हाँ ठीक है यार, दे दो तो ये रहा दिव्य भाई, आप लोगों से मिलाया नहीं अब तक, तो वो यही भाई है यार। मेरे को यहाँ में बहुत प्यार मिला, आप लोगों को बोल ही रहा हूँ, किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, सब अपना जैसा ही लग रहा है, इतना प्यार कर रहा है। और आने के बाद मतलब 1 रुपया भी खर्चा करने के लिए मुझे नहीं दे रहा है, देखो विश्वास नहीं करोगे आप लोग। देखो तो देख सकते हो खाना भी बढ़िया है, तो खाते हैं। ये पकौड़ा आप लोगों को दिखाई दिया, बनाया था भाई ने ही बनाया था। उसके बाद ये दाल, मैंने मतलब मैं भेज खाता हूँ ना तो मैं बॉयल दाल खाऊंगा बोला था, तो इतना स्पेशल तरीके से बना दिया मेरे को, देख सकते हो आप लोग। और ये चटनी, टोमेटो का चटनी। और इधर देख सकते हो ये क्यूमिन लिप्स, आप लोग जो नरसिंह का चटनी, तो देख सकते हो इतना सारा आइटम यार, मस्त मस्त। आको थैंक यू दे, थैंक यू वेरी मच इमान मरमर कारण। माही घर गाँव नाम কৈ দিয়াচোন, গাঁৱৰ নামটো বিলতীয়া গাঁথনি, নাওবৈচা বিলতীয়া গাঁথনি, নাওবৈচা বিলতীয়া গাঁথনি इस गाँव का नाम है। कल रात को बहुत ही बात किया हम लोगों ने, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखीमपुर बिलतिया गाँव। हाईवे पर 2 किलोमीटर है। तो ये रहा इनका मामा जी का घर। आ रहे हैं, कुछ पट्टा लेके आना है यहाँ से, वही कम। तो हो चुका है ये सब लेके, तो ये सब लेके चल रहा है अभी बकरियों के लिए, घर में जो बकरी है उन लोगों के लिए। तो गाइज ये भाई बहुत ही मेहनत कर सकता है सच में। तो हम लोग का कल रात का प्लानिंग था मतलब किमिंग जाने के लिए, और टॉपराम भैया के साथ। आज का मतलब वेदर अच्छा ना साथ नहीं दे रहा, मतलब पूरा बारिश दे रहा है बीच बीच में, बहुत सुबह से बारिश दे रहा है। ये सब लेके आ रहे हैं अभी वो बकरी को देने के लिए, पत्ता काट के। तो यही गांव का सीन मुझे मतलब अच्छा लग रहा है बहुत, मोशंस मतलब बहुत अलग ही टाइप का है इस गाँव का, बहुत प्यार मिल रहा है। सुबह सुबह देखो आप लोग गाइज, सच में यार ये सब मेमोरीज बन रहा है, इस बार अलग ही बन गया है यार, ये इमोशंस अलग ही है बस, सच में बोल रहा हूँ, गूज़बम्स। तो ये घर में कल आ गया था, तो भाई को मेरे को गैरेज में मिला था, कल शाम को पूरा घुमाया यहाँ का इलाका, और स्ट्रेंजर भाई है। तो अभी जो फीलिंग्स देख रहे हो, अब ये सीन देख रहे हो कि नहीं, भाई बहुत मेहनती है, भाई को रोज़ करना पड़ता है। और ये रूरल एरियाज़ में नॉर्मल ये सब, अर्बन्स में ये सब दिखने के लिए नहीं मिलता है। जब बचपन में मैं मामा का घर आया करता था तभी दिखने के लिए मिलता था, सच में यार गजब। एक बार फिर से रिवाइंड हो रहा है, ज़्यादा बारिश दे रहा है। फाइनली अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं, देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश का